हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी पाठशाला में। सीजीपीएससी पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ बजट 2022-23, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा 9 मार्च 2022 को जो बजट पेश किया गया उसकी महत्वपूर्ण घोषणाओं पर। बजट काफी इंपॉर्टेंट है। साल भरे होने वाले पीएससी और व्यापम दोनों एग्जाम में बजट से एक ना एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, तो एक बारे में अच्छे से तैयारी कर लीजिए। इस बजट का साल भरे एग्जाम में आपको काम आता रहेगा। दूसरा चीज, जब से पटवारी का वैकेंसी आया है तब से आप में से बहुत से लोगों के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा सा उसका जवाब भी सुन लीजिए। जब से आपका पटवारी का वैकेंसी आया है बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि सर, ये पटवारी वैकेंसी के लिए या पटवारी परीक्षा के लिए पुराना आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 पढ़ा जाए कि जो नया आर्थिक सर्वेक्षण 8 मार्च को आया है 2021-22 उसे पढ़ा जाए। तो ध्यान दीजिए, पटवारी का एग्जाम है जो पहले डिसाइडेड था वो था 10 अप्रैल, लेकिन रामनवमी होने के कारण एक सप्ताह एक्सटेंड करके 17 अप्रैल कर दिया गया पटवारी एग्जाम। तो अभी जो है आपको सफिशियंट एक महीने का समय मिल रहा है, तो आप लोग जो है नया इकोनॉमिक सर्वे ही पढ़ेंगे, क्योंकि सफिशिएंट एक महीने का जो है टाइम पीरियड काफ़ी होता है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि पुराने डाटा नहीं पूछे जाएंगे, पुराने डाटा भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो आपका नया आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 और बजट रहेगा आपका 2022-23। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। दूसरा, बहुत से लोग मुझे मैसेज करके ये पूछ रहे हैं कि सर, पटवारी परीक्षा को देखते हुए हमारी ये जो सीजीपीएससी ई पाठशाला की कोई नई करंट अफेयर की मैगजीन आएगी क्या? जी नहीं, मैं करंट अफेयर का मैगजीन दो ही बार निकालता हूं, एक जनवरी के महीने में और दूसरा है जुलाई के महीने में। हाफ ईयरली करंट अफेयर का मैगजीन आता है। अभी मार्केट में जो आपका करंट अफेयर का मैगजीन अवेलेबल है वो जनवरी 2022 तक का अपडेटेड है। अब आपका पटवारी वैकेंसी को लेकर के मैं, दो महीने बचते हैं फरवरी और मार्च, अप्रैल में तो एग्जाम है, दो महीने में कितने डाटा कलेक्ट होंगे? मुश्किल से आपका 5 पेज या ज्यादा 10 पेज। अब उस 10 पेज को पुराने ही एडिशन में चिपका करके, उसे लेटेस्ट एडिशन बता करके मैं मार्केट में उतारूं, या पटवारी भर्ती परीक्षा विशेषांक करंट अफेयर करके मार्केट में उतारूं, तो ये जबरदस्ती का धोखाधड़ी वाला काम है। ठीक है, तो मैं ऐसे हर एक एग्जाम को लेते हुए कोई नया लेटेस्ट एडिशन बोल करके कोई मैं बुक पब्लिश नहीं करता। हमारी करंट अफेयर की मैगजीन आती है, एक आती है जनवरी में और दूसरा आता है जुलाई में, जो मार्केट में अवेलेबल है वो भी इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा पुराना हुआ नहीं है। जब तक जुलाई नहीं आता तब तक हमारा नया करंट अफेयर कोई भी मैगजीन नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ बजट 2022-23। देखिए, ध्यान समझते हुए चलिएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा आपका 9 मार्च, पहले तो ये डेट ही याद कर लीजिए, 9 मार्च 2022 को आपका बजट पेश किया गया। ठीक, 2022 को जो है 9 मार्च को आपका बजट पेश किया गया। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका बजट पेश किया गया, इस बजट में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा ब्रीफकेस। ब्रीफकेस यानी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो आपका बजट जिस ब्रीफकेस में लेकर के आए, ये भी काफी चर्चा में रहा। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रीफकेस है ये बना हुआ था आपके गाय के गोबर से। गाय के गोबर से बना हुआ ब्रीफकेस में बजट लेकर के पहुंचे थे आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये जो आपका ब्रीफकेस बना हुआ है ये आपके गाय के गोबर से बना हुआ ब्रीफकेस है, आगे हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, देखिए तो ध्यान समझिए। देखिए, वित्त मंत्री, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमारे प्रदेश में जो है कैबिनेट मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ कितनी है, टोटल 13 कैबिनेट मंत्री है हमारे इस छत्तीसगढ़ में। तो जो वित्त विभाग है वो आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ही पास है, यानी कि हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है, वो है आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ठीक है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ही पास आपका वित्त मंत्रालय है। ये जो आपका बजट पेश किया गया, छत्तीसगढ़ बजट 2022-23, ये हमारे प्रदेश का 22वां बजट है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पश्चात हमारे प्रदेश का 22वां बजट है, जबकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल का, यानी कि वित्त मंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यह 4था बजट था। ठीक, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ये जो बजट पेश किया गया, इसे संज्ञा दी गई थी आपके न्याय का बजट। ठीक है, ये जो आपका बजट जो पेश किया गया था, इसे संज्ञा दिया गया था न्याय के बजट का। ठीक, अब देखिए थोड़ा ध्यान समझिए, ये जो आपका जो बजट पेश किया गया ये काफी सुर्खियों में रहा। सुर्खियों में क्यों रहा? क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो आपका बजट लेकर के विधानसभा में पहुंचे थे, वो जो सूटकेस था ये गाय के गोबर से बना हुआ सूटकेस था। गाय के गोबर से बना हुआ सूटकेस, जो कि फ्रंट में आपका छत्तीसगढ़ बजट 2022-23 लिखा हुआ था, जबकि इसके बैक में लिखा हुआ था गोमय वस्ते लक्ष्मी। ठीक है, इसके बैक साइड में क्या लिखा हुआ था? गोमय वस्ते लक्ष्मी, संस्कृत में लिखा हुआ शब्द था। क्या था? गोमय वस्ते लक्ष्मी, जिसका अर्थ होता है गोबर में लक्ष्मी का वास होता है।
ठीक है, गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। और ये जो ब्रीफकेस तैयार किया था, ये जो आपका जो ब्रीफकेस को जो तैयार किया गया था, वो आपका एक महिला स्व सहायता समूह, जो कि गोकुल धाम गौठान रायपुर की महिला स्व सहायता समूह, एक पहल के द्वारा जो है ये ब्रीफकेस तैयार किया गया था। जबकि इसका हैंडल और कॉर्नर, यानी कि जो आपका पकड़ने वाला जो हैंडल है और जो बॉक्स शेप बनाने के लिए जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर तैयार किया गया था आपके कोंडा गांव बस्तर आर्ट के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि, या फिर कथन आधारित प्रश्न ही पूछा जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका बजट पेश किया गया था, तो विधानसभा में बजट जो है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो बजट लेकर के पहुंचे थे, वो आपके गोबर से बने हुए ब्रीफकेस में लेकर के पहुंचे थे, जिसमें संस्कृत भाषा में संस्कृत में जो है एक वाक्य लिखा हुआ था, गोमय वसते लक्ष्मी, यानी कि गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। इस ब्रीफकेस को बनाया था आपके गोकुल धाम गौठान रायपुर की महिला स्व सहायता समूह एक पहल के द्वारा, जबकि उसको पकड़ने का हैंडल और उसको जो आपका चौकोन शेप दिया गया है वो बनाया था, उसके कॉर्नर को बनाया गया था आपके कोंडागांव बस्तर आर्ट के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, बजट की जो शुरुआत है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा में खड़े होकर के जब बजट पेश किया उन्होंने, तो बजट की शुरुआत उन्होंने आपका यजुर्वेद की पंक्तियों के साथ किया। यानी कि बजट को पढ़ने से पहले उन्होंने यजुर्वेद, देखिए हमारे जो है आपके चार वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो यजुर्वेद की उन्होंने पंक्तियों से शुरुआत किया। ओम ओम विश्वानी देव सवितः दुरितानि परासुव यत भद्रम तत ना आसुव। देखिए ये सिंगल वन डे एग्जाम में इससे नहीं आएगा, लेकिन हाँ मेन आंसर राइटिंग में लिखने के लिए आता है ना, तो बजट के समय जो है आपका ये जो यजुर्वेद, अगर बजट से रिलेटेड कुछ आता है, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यजुर्वेद की पंक्तियों के साथ इस साल के बजट की शुरुआत करी। इस पंक्ति को भी आप मेंशन कर सकते हैं। और दूसरा, इसका अर्थ क्या होता है, हे देव सवितः समस्त दुर्गुणों को हमसे दूर कीजिए और जो कल्याण है उसे हमें प्राप्त कराइए। इस पंक्ति के साथ इस साल का बजट पढ़ने की शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा की गई। ठीक, अब बजट की महत्वपूर्ण घोषणाओं पर हम एक एक करके चर्चा करते हैं, ध्यान समझते हुए चलिए। देखिए इस साल के बजट में जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा जो घोषणाएं की गई, उस पर थोड़ा सा हम डिटेल करते हैं। राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना काफी चर्चा में रहा, पिछले साल भी काफी चर्चा में रहा। तो देखिए ये आपका यहां पे जो शब्द जो आपका आ रहा है, भूमिहीन मजदूर का मतलब, देखिए हमारे प्रदेश में जो है कृषि कार्य में संलग्न जो किसान है, किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं चल रही है, लेकिन यहां पर आ रहा है आपका भूमिहीन किसान, ऐसे किसान जो कृषि कार्य में तो संलग्न है लेकिन उनके पास स्वयं की कृषि भूमि नहीं है, उन्हें कहा जाता है आपका भूमिहीन किसान। ठीक है, जैसे आपका लोहार हो गया, बढ़ाई हो गया, कुम्हार हो गया, ये तो इनका पारंपरिक आपका पेशा है, लेकिन ये क्या करते हैं, दूसरे की खेतों में अध्या लेकर के, यानी कि आधा आधा करके 50-50 करके अध्या लेकर के उन दूसरे की भूमि में कृषि कार्य करते हैं। कृषि कार्य तो कर रहे लेकिन स्वयं ही कृषि भूमि नहीं है, तो उनके लिए हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा चालू की गई योजना थी आपकी राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना। ठीक, देखिए इस साल के बजट में आपका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा घोषणा किया गया है कि आगामी वर्ष में वार्षिक सहायता राशि को 6,000 रुपए से बढ़ा करके 7,000 रुपए कर दिया जाएगा। यानी कि वर्तमान में इस आपकी योजना के अंतर्गत भूमिहीन मजदूरों को, जो कृषि भूमिहीन मजदूर है, उन्हें 6,000 रुपए की राशि दी जा रही थी, इसे आगे आने वाले वर्षों में इसे बढ़ाकर के 7,000 किया जाएगा। यह घोषणा किया गया है आपके इस साल के बजट में। साथ ही साथ आदिवासी देव स्थलों पर पूजा करने वाले मांझी, बैगा, गुनिया, पुजारी इत्यादि, यानी कि जो आदिवासी संस्कृति को जो संजो के रखे हैं, जो उनके देव स्थलों में जो पूजा पाठ करते हैं, मांझी, बैगा, गुनिया, पुजारी इत्यादि, इनको भी इस योजना के अंतर्गत भूमिहीन मजदूरों के अंतर्गत काउंट किया जाएगा और उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो आदिवासी देवस्थलों में जो पूजा पाठ करने का कार्य में लगे हुए जो आपके मांझी, बैगा, गुनिया, पुजारी इत्यादि लोग हैं, उन्हें भी राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका राजीव गांधी किसान न्याय योजना। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत इस साल के बजट में 6,000 करोड़ रुपए की जो राशि है उसका प्रावधान किया गया है। अब ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना क्या है, धान सहित समस्त खरीफ फसलों, लघु धान्य फसलों, उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा दिए जाने के लिए प्रति एकड़ 10,000 रुपए की
आदान सहायता देने की व्यवस्था है। ठीक है, ये योजना कब लागू हुआ, इसका क्या विस्तृत जानकारी, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे इस बजट वाले सेशन में। ठीक है, लेकिन हाँ, बजट में जो है, इस साल के बजट में इस राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत 6,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान रखा गया है। इंपॉर्टेंट है, बजट में आपको यह डाटा थोड़ा सा याद रखना है। कथन आधारित प्रश्न पूछ देगा कि आपका छत्तीसगढ़ बजट 2022-23 में आपका इस राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत कितनी राशि का प्रावधान है, तो वो है आपका 6,000 करोड़, जिसमें जो है धान सहित समस्त खरीफ फसल, लघु धान्य फसल, उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए प्रति एकड़ अधिकतम 10,000 रुपए की जो सहायता राशि प्रदेश सरकार प्रदान करती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका चिराग परियोजना। चिराग परियोजना क्या है, हमारे छत्तीसगढ़ के 14 जिले को चिन्हित करके 14 जिले के 25 विकास खंडों में पोषण सुधार, कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार एवं कृषि उत्पाद के मूल्य संवर्धन से अतिरिक्त आय के सृजन हेतु आपका चिराग योजना जो है लागू किया गया है। देखिए, अब ये जो आपका 14 जिले कौन कौन से है, आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगा। बस्तर संभाग के 7 जिले, सरगुजा संभाग के 5 जिले, एक है आपका मुंगेली, दूसरा है आपका बलौदाबाजार। ठीक है, सरगुजा संभाग के आपका 7 जिला कौन कौन सा, नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा। ठीक है, और जो आपका सरगुजा संभाग के 5 जिले कौन कौन सा है, आपका कोरिया हो गया, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर और सरगुजा, और ये टोटल कितना हो गया, 7, 5, 12, एक आपका मुंगेली 13 और बलौदाबाजार 14। तो टोटल आपके 14 जिलों के 25 विकास खंडों में पोषण सुधार, कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार तथा कृषि उत्पाद में मूल्य संवर्धन यानी कि वैल्यू एडिशन, मूल्य संवर्धन से अतिरिक्त आय सृजन हेतु ये चिराग योजना लागू किया गया है। इस साल के बजट में इस चिराग योजना के अंतर्गत 200 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है। ठीक है, 200 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है। नेक्स्ट देखिए, सेवाग्राम आश्रम। सेवाग्राम आश्रम क्या है, ये जो आपका महात्मा गांधी जी जो है यानी कि बापू की स्मृति को संजोए एवं उनके विचारों पर आधारित विकास के रास्तों को प्रदर्शित करने के लिए सेवाग्राम आश्रम का निर्माण किया गया है, जो कि आपके महाराष्ट्र के वर्धा आश्रम के तर्ज पर बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है आपके रायपुर जिले में। ठीक है, रायपुर जिले में ये सेवाग्राम आश्रम बनाया जा रहा है। इस आश्रम को बनाए जाने की परियोजना लागत है आपके 100 करोड़ रुपए, जबकि इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस सेवाग्राम आश्रम के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है। तो ये 5 करोड़ रुपए की राशि को थोड़ा सा याद रखिएगा, परियोजना लागत को भी थोड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क। अब ये महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क क्या है, इसे थोड़ा ध्यान समझिएगा, इस साल के बजट में काफी हाईलाइट रहा। महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क, गौठानों को औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित करना। ठीक है, गौधन न्याय योजना के अंतर्गत जो है आपका गौठानों का निर्माण किया गया है, तो अब उन गौठानों को औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां पर स्थानीय खाद्य उत्पादों एवं लघु वन उत्पादों का मूल्य संवर्धन यानी कि वैल्यू एडिशन या मूल्य संवर्धन का मतलब क्या होता है, जो आपका स्थानीय जो खाद्य उत्पाद है या जो लघु वन उपज है, उन्हें प्रोसेसिंग करके मार्केट में बेचने योग्य बनाना। ठीक है, यानी कि उसके अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बना करके मार्केट में बेचने के लिए उन्हें निकालना। ठीक, मूल्य संवर्धन के लिए प्रसंस्करण इकाइयों यानी कि प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना की जाएगी इन गौठानों में। ठीक, यहां पर जो है बांस एवं काष्ठ शिल्प, मेटल शिल्प तथा अन्य हस्तशिल्प से संबंधित लघु एवं कुटीर उद्योगों की भी स्थापना की जाएगी। ठीक, तो महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क, जो कि गौठानों को औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा, यहां पर स्थानीय खाद्य उत्पाद और लघु वन उपज के मूल्य संवर्धन के लिए प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि प्रसंस्करण इकाई स्थापित की जाएगी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड पैक हाउस। इस साल के बजट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा घोषणा किया गया है कि इंटीग्रेटेड यानी कि एकीकृत पैक हाउस की स्थापना की जाएगी दुर्ग जिले में। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, दुर्ग जिले में आपके इंटीग्रेटेड पैक हाउस की स्थापना की जाएगी। इंटीग्रेटेड पैक हाउस क्या होता है, यानी कि जो आपके कृषि एवं उद्यानिकी उत्पाद है उनके सुरक्षित भंडारण हेतु आपके इंटीग्रेटेड पैक हाउस स्थापित किए जाएंगे। पहला कहां स्थापित किया जा रहा है, ये किया जा रहा है आपके दुर्ग जिले में। उत्पाद को धोने, छांटने, ग्रेडिंग एवं पैकेजिंग आदि जो है ये आधुनिक मशीनों के द्वारा किया जाएगा।
आप ये सब चीज जो है टीवियों में अक्सर देखे होंगे, जैसे कि ये जो आपका आलू है, आलू मशीन के कन्वेयर बेल्ट में ऑटोमेटिक आगे बढ़ रहा है, सेम साइज के आलू को एक साइड किया जाता है, छोटे साइज के आलू को जो है अलग किया जाता है, कोई सड़े गले आलू है उसे मशीन ऑटोमेटिकली बाहर फेंक देती है। ये सारे जो आपका प्रोसेस है ये मशीनों के द्वारा होता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से होता है। अगर कोई सड़े गले अगर आपके कोई प्रोडक्ट है तो वो ऑटोमेटिकली छट जाएगा, अगर कोई टमाटर है बड़े साइज का है तो वो अलग होगा, छोटे साइज का है तो अलग होगा, ऑटोमेटिकली धुलेगा, ऑटोमेटिकली उसकी छटाई होगी और लास्ट में जाकर के वो पैक में पैकिंग हो जाएगा। तो ये जो आपका आधुनिक तरीके से जो पैकेजिंग हो रहा है और आधुनिक तरीके से जो फसलों की जो छटनी हो रही है, तो वही है आपका इंटीग्रेटेड पैक हाउस जिसे स्थापित किया जाएगा आपके दुर्ग जिले में। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कोकुन बैंक। कोकुन बैंक जिसकी स्थापना की जाएगी आपके जगदलपुर यानी कि बस्तर जिले के जगदलपुर के नानगुर ग्राम में। ठीक है, जो आपका बस्तर जिला है, बस्तर जिले के जगदलपुर के नानगुर ग्राम में कोकुन बैंक की स्थापना की जाएगी। अब ये है क्या, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस कोकुन बैंक के लिए मुख्यमंत्री रेशम मिशन शुरू किए जाने की भी घोषणा की है, जिसमें रैली कोकुन का संग्रहण कर धागा उत्पाद एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था की जाएगी। यानी कि जो आपका रेली जो कोकुन है, रेली कोकुन का उत्पाद भी होगा हमारे छत्तीसगढ़ में, उस जो उत्पादन के बाद जो है उसका संग्रहण भी होगा, संग्रहण करके उससे जो है आपके कपड़े भी हमारे छत्तीसगढ़ में ही बनाए जाएंगे। पहले क्या होता था, ये जो आपके रेली कोकुन है उसका संग्रहण करके, यानी कि जो जहां से आपका रेली कोकुन का जो आपका उत्पादन हो रहा है तो उसका संग्रहण करके उसे एक्सपोर्ट कर दिया जाता था, लेकिन अब क्या है मुख्यमंत्री रेशम मिशन चालू किए जाने की बात की गई है, जिसके अंतर्गत इस रेली कोकुन का संग्रहण कर छत्तीसगढ़ में ही धागे का उत्पादन किया जाएगा और उसे प्रोसेसिंग करके जो आपके कपड़े बनाए जाते हैं वो सारे चीजें आपके छत्तीसगढ़ में होंगे। तो पहला कोकुन बैंक या कोकुन बैंक स्थापित किया जा रहा है आपके बस्तर जिले के जगदलपुर के नानगुर ग्राम में, इंपॉर्टेंट है, इस गांव के नाम को भी थोड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन। ठीक, देखिए ध्यान समझिएगा, छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में संचालित कौशल विकास कार्यक्रम का विभिन्न नवाचारी योजनाओं के साथ समन्वय एवं राज्य में स्थित विशिष्ट शिक्षण संस्थानों के विशेषज्ञता का लाभ लेते हुए नए रोजगार का सृजन किया जाएगा। यानी कि देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो है एक रोजगार मिशन लाया जाएगा, इसमें आपके नगरीय एवं शहरी क्षेत्रों में संचालित जो आपके कौशल विकास कार्यक्रम है, ठीक है, बहुत सारे कौशल विकास कार्यक्रम चल रहे हैं, ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं, तो विभिन्न नवाचारी योजनाओं के साथ उनका समन्वय किया जाएगा। यानी कि सरकार जो है रोजगार ओरिएंटेड जो आपका एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्कीम निकालेगी, यानी कि जो अपनी योजनाएं निकालेगी वो योजना इस प्रकार की होगी कि प्रदेश में चल रही कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ उनका समन्वय हो सके और ज्यादा से ज्यादा रोजगार का सृजन हो सके। साथ ही साथ प्रदेश के जो आपके विशिष्ट शिक्षण संस्थाने हैं, यानी कि जो बड़े बड़े आपके शैक्षणिक संस्थाने हैं वहां पे जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं उनकी विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए नए रोजगार सृजन की संभावना हेतु कार्य करेगा ये छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन। ठीक, इसके साथ साथ जो आपका CGPSC है, CGPSC के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, व्यापम के द्वारा जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, तो ये इनके द्वारा आयोजित किए जाने वाली जो समस्त प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जो आपके स्थानीय प्रतिभागी जो है, यानी कि जो छात्र जो इस एग्जाम में अपेयर होते हैं उनके लिए अब फीस जो है माफ कर दी गई है। यानी कि अब कोई भी एग्जाम आपका आगामी एग्जाम आएगा, अब ये पटवारी का तो कोई भरोसा नहीं, पटवारी का तो वैकेंसी निकल चुका है और इसके रजिस्ट्रेशन भी हो चुके हैं, इसके फीस भी लिए जा रहे हैं, अब इसके बाद कोई भी आपका वैकेंसी आएगी चाहे वो PSC निकाले या व्यापम निकाले उसके लिए किसी भी प्रकार की कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय। ठीक, स्वामी आत्मानंद, ये जो स्वामी आत्मानंद के नाम से हमारे प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय संचालित है। ध्यान दीजिएगा, हमारे प्रदेश में वर्तमान में 171 अंग्रेजी माध्यम स्कूल संचालित है। ठीक, यानी कि अभी जो आपका मार्च जो बजट पेश किया गया मार्च 2022 तक की स्थिति में हमारे प्रदेश में कुल 171 अंग्रेजी माध्यम, यहां अंग्रेजी माध्यम की बात हो रही है, अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय संचालित है जिसमें अब तक 135,000 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। इंपॉर्टेंट है ये 171 को थोड़ा सा याद रखिएगा। साथ ही साथ ये भी घोषणा किया गया है कि आगामी वर्ष में 32 हिंदी माध्यम स्कूल भी खोले जाएंगे इस स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय के तर्ज पे।
ठीक है, जिस प्रकार से आपका स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय संचालित हो रहे हैं, उसी के तर्ज पर 32 हिंदी माध्यम स्कूल भी खोले जाएंगे। ठीक है, ये 32 के आंकड़े को याद रखिएगा और 171 वाले आंकड़े को थोड़ा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान जो है आपका वर्ष 2019 में ये अभियान शुरू किया गया था। जब यह अभियान शुरू किया गया था, यानी कि मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान जब शुरू किया गया था, उस समय पूरे प्रदेश में 4,33,000 कुपोषित बच्चों को चिन्हांकित किया गया था, जब ये योजना यानी कि अभियान प्रारंभ किया गया। ठीक, 1,72,000 बच्चे कुपोषण से मुक्त हो चुके हैं अब तक। जब शुरू किया गया था, तब जब आपका वर्ष 2019 में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान जब प्रारंभ किया गया था, उस समय आपके 4,33,000 कुपोषित बच्चों को चिन्हांकित किया गया था। लेकिन जब बजट पेश किया गया, तो इस बजट में बताया गया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा कि वर्तमान स्थिति में 1,72,000 बच्चे जो है कुपोषण से मुक्त हो चुके हैं। साथ ही साथ इन तीन वर्षों में, यानी कि 2019 में यह अभियान शुरू हुआ, इन तीन वर्षों में कुपोषण में 8.7% की कमी दर्ज की गई है। इसे थोड़ा याद रखिएगा, इस प्रकार का उठपटांग क्वेश्चन कथन वाले प्रश्न पूछेगा। और साथ ही साथ हाल ही में जो आपका राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th जो रिपोर्ट आया है, उसमें प्रदेश का जो कुपोषण प्रतिशत है वो है आपका 31.3%। इस परसेंटेज को भी याद रखिएगा, ये परसेंटेज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ लघु वन उपज संघ, इससे भी संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। छत्तीसगढ़ में जो आपका लघु वन उपज है, लघु वन उपज संघ के द्वारा, छत्तीसगढ़ लघु वन उपज संघ के द्वारा वर्तमान में 65 लघु वन उपजों का खरीदी किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले प्रदेश सरकार के द्वारा टोटल आपके 52 लघु वन उपजों की खरीदी की जा रही थी। बीच में न्यूज आया कि 9 और लघु वन उपजों को शामिल कर दिया गया, तो टोटल लघु वन उपज हो गए थे 61। लेकिन बजट में घोषणा किया गया है कि हमारे छत्तीसगढ़ में वर्तमान में छत्तीसगढ़ लघु वन उपज संघ के द्वारा 65 लघु वन उपजों की खरीदी की जा रही है। ठीक है, बीच में कोई न्यूज हमको पढ़ने के लिए मिला नहीं, लेकिन बजट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा जो बजट पेश किया गया, उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ लघु वन उपज संघ के द्वारा 65 लघु वन उपजों की खरीदी की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 153 करोड़ के लघु वन उपजों की खरीदी की गई। ये जो आपके लघु वन उपज है, इसे भारत सरकार के द्वारा कुछ पुरस्कार भी प्रदान किए गए। देखिए, भारत सरकार के द्वारा लघु वन उपज संग्रहण हेतु कुछ पुरस्कार प्रदान किया गया, जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत कुल चार पुरस्कार मिला है राज्य को। प्रसंस्करण हेतु, यानी कि प्रोसेसिंग प्रसंस्करण हेतु वन धन योजना के अंतर्गत 4 पुरस्कार मिला है। नवोत्पाद एवं नवाचार हेतु 3 पुरस्कार मिला है। अगर कभी इसे फूटी किस्मत रही तो ये पुरस्कार से क्वेश्चन आ सकता है, बाकी इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना नहीं है। आपको याद रखना है ये 65, ठीक है, 65 वन उपजों का क्रय छत्तीसगढ़ लघु वन उपज संघ के द्वारा किया जाता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, कोदो कुटकी, छत्तीसगढ़ लघु वन उपज संघ के द्वारा हमारे प्रदेश में कोदो कुटकी 3,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाता है। साथ ही साथ रागी 3,377 रुपये प्रति क्विंटल की दर से रागी की खरीदी की जाती है। साथ ही साथ ये जो आपका जो लघु वन उपजों की जो खरीदी कर रहा है, इसे छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड यहां, और पूरे प्रदेश भर में टोटल आपके 30 संजीवनी केंद्रों की स्थापना की गई है। देखिए, छत्तीसगढ़ हर्बल संजीवनी, ठीक, तो जो आपके जो प्रोडक्ट है, इसे छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड के नाम से बेचा जाता है आपके 30 संजीवनी केंद्रों में, जहां पर विभिन्न उत्पादों का विक्रय होता है। साथ ही साथ सी मार्ट की स्थापना, देखिए सी मार्ट क्या है, प्रत्येक नगरीय निकायों में, पहला इंपॉर्टेंट चीज तो ये कि जो सी मार्ट है ये केवल नगरों के लिए है, ठीक है, केवल नगरों के लिए है, ग्राम के लिए नहीं है। ये प्रत्येक नगरीय निकायों में इसकी स्थापना की जाएगी। स्व सहायता समूह द्वारा उत्पादित सामग्री के विक्रय हेतु इसकी स्थापना की जा रही है, जिसके लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान है। सी मार्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसमें यह थोड़ा सा डाटा याद रखिएगा, 30 संजीवनी केंद्रों के माध्यम से विभिन्न उत्पादों का विक्रय करता है छत्तीसगढ़ लघु वन उपज संघ, 65 लघु वन उपजों की खरीदी की जा रही है। कोदो कुटकी का जो है आपके 3,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है, जबकि रागी जो है 3,377 रुपए प्रति क्विंटल की दर से रागी की खरीदी की जा रही है। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट है स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घोषणा। पहला है आपका धनवंतरी या श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर। देखिए ये आपका श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर क्या है, नागरिकों को उचित मूल्य पर यानी कि रियायती दरों पर जेनेरिक दवाइयां एवं सर्जिकल सामान उपलब्ध कराना। ये जो आपका मेडिकल स्टोर है इस श्री धनवंतरी मेडिकल स्टोर में 50% से लेकर के लगभग 70% तक का डिस्काउंट मिलता है दवाइयों पर, जेनेरिक दवाइयों पर। अभी जब ये बजट पेश किया गया तो इस बजट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा बताया गया कि पूरे प्रदेश भर में 136 धनवंतरी मेडिकल स्टोर्स की स्थापना की जा चुकी है। ठीक है, श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स की स्थापना की जा चुकी है। कितने? 136। इस 136 को थोड़ा याद रखिएगा। मुख्यमंत्री शहरी स्लम सहायता योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम, ये जो आपका पहले नाम से स्पष्ट है शहरों के लिए, शहरी स्लम सहायता योजना जो कि लागू है आपके पूरे के पूरे प्रदेश के 14 नगर निगमों में। हमारे प्रदेश का 14वां नंबर का जो आपका नगर निगम कौन सा है, वो है आपका रिसाली। प्रदेश के पूरे 14 नगर निगम में ये आपके मुख्यमंत्री शहरी स्लम सहायता योजना लागू है, जिसके अंतर्गत इन सभी नगर निगमों में 60 मोबाइल एम्बुलेंस एवं दाई दीदी, ठीक है यहां केवल दीदी हो गया है, दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक जो है संचालित है, इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार का जो है बस चलता है जो कि मुख्यमंत्री शहरी स्लम सहायता योजना के अंतर्गत मोबाइल मेडिकल यूनिट है, इसे दाई दीदी क्लिनिक। देखिए जो आपका नॉर्मल जो मोबाइल एम्बुलेंस है वहां पे हर कोई इलाज करा सकता है, दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक जो है ये स्पेशली लेडीजों के लिए रहता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। कितने हैं? 60 है। कहां पर लागू है? 14 नगर निगमों में लागू है। नेक्स्ट देखिए, खेल एवं युवा कल्याण से संबंधित राजीव गांधी युवा क्लब, हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा राजीव गांधी युवा क्लब शुरू किया गया है। यह क्या है? युवा शक्ति को संगठित कर प्रदेश के विकास में उनकी सहभागिता बढ़ाने हेतु, जिसके अंतर्गत पूरे प्रदेश भर में 13,269, ठीक है, 13,269 आपके इस राजीव युवा मितान क्लब की स्थापना की जाएगी, जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में 13,668 जबकि शहरी क्षेत्र में 1,605 ऐसे क्लबों की स्थापना की जाएगी। इंपॉर्टेंट है ये डाटा, तो आप काफी समय से पढ़ते आ रहे हैं, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ग्रामीण में जो है 11,000, लगभग 11,500 याद रख लीजिए, शहरी क्षेत्रों में 1,600 याद रख लीजिए। ठीक है, 11,668 और 1,605। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका अकादमी, कुछ एकेडमी खोले जाने की भी घोषणा की गई है। जैसे पहले नंबर पर है आपका मलखम्ब एकेडमी। मलखम्ब एकेडमी क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं एक पोल रहता है जिसमें जो आपके ये मलखम्ब कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए जो है आपका एक मलखम्ब एकेडमी खोला जाएगा आपके नारायणपुर में, और साथ ही साथ टेनिस एकेडमी जो कि लाभांडी रायपुर में जो है विकसित किए जाएंगे, तो इसको थोड़ा सा दोनों को याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है मलखम्ब एकेडमी, ठीक, मलखम्ब एकेडमी कहां पर है, नारायणपुर में है, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट देखिए, एंटी क्राइम ब्रांच, एंटी क्राइम एंड साइबर ब्रांच ये खोला जाएगा। ये है क्या, पहले ये समझ लीजिए, हाईटेक अपराधों की जांच के लिए। क्या है? हाईटेक अपराधों की जांच के लिए। हाईटेक अपराध जैसे कि आजकल जो आप सुने होंगे फोन कॉल करके लॉटरी लग गई, ऐसे टाइप के कॉल आते हैं और अक्सर जो है लोग फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं, बैंक अकाउंट से उनके पैसे कट जाते हैं, तो ऐसे जो आपके हाईटेक अपराध हो रहे हैं उसकी जांच के लिए एंटी क्राइम एंड साइबर ब्रांच का गठन किया जाएगा। ये एंटी क्राइम एंड साइबर ब्रांच है ये 3 जिले में, रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर, इन 3 जिले में अभी इसकी ये जो आपका जो एंटी क्राइम एंड साइबर ब्रांच है इसका गठन किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स, ये जो डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स है इसका गठन बस्तर संभाग में किया जाएगा। ठीक है, सिंगल वन लाइनर है, केवल याद करते हुए चलिए। एंटी क्राइम एंड साइबर ब्रांच कहां पर खुल रहा है? रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में। डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स ये कहां पर बन रहा है? इसका गठन किया जा रहा है आपके बस्तर संभाग में। शहीद स्मारक निर्माण, शहीद स्मारक निर्माण यानी कि राज्य में जो आपके शहीद है उनके सम्मान के लिए रायपुर में छत्तीसगढ़ अमर ज्योति स्मारक, जो हम करंट अफेयर में कर चुके हैं, छत्तीसगढ़ अमर ज्योति स्मारक और पुलिस मेमोरियल टावर की स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का मतलब क्या होता है? जो शहरों से निकलने वाला जो गंदा पानी है उसे सीधे तौर पर नदी नालों में ना छोड़ करके उसका ट्रीटमेंट करके यानी कि उसे साफ करके, उसे शुद्ध करके नदी नालों में छोड़ा जाए। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे प्रदेश का पहला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट
ये कहां पर स्थित है? बस्तर जिले के जगदलपुर के बालीकोटा में। ये करंट अफेयर में था और ये क्वेश्चन बनेगा, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। हमारे प्रदेश का जो पहला सीवरेज प्लांट है ये बालीकोटा में ऑलरेडी इसका उद्घाटन हो चुका है। ठीक, अब जो है इस साल के बजट में घोषणा किया गया है कि 5 और सीवरेज प्लांट आपके जो है स्थापित किए जाएंगे। कहां कहां पर? कोरबा, दंतेवाड़ा, शक्ति, शिवरी नारायण और चंद्रपुर, इन पांचों के नाम को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, सिंचाई सुविधाओं का विकास। सिंचाई सुविधाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है बजट में, उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। वास्तविक सिंचित क्षेत्रफल, हमारे प्रदेश का जो वास्तविक सिंचित क्षेत्रफल है वो है वर्तमान में 13,58 हेक्टेयर। इस साल के बजट में नवीन मद के अंतर्गत 249 वृहद कार्य, 53 मध्यम कार्य, 835 लघु सिंचाई कार्य तथा 404 एनीकट एवं स्टॉप डैम निर्माण का प्रावधान है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ये ऐसे वाला आंकड़ा ऑलरेडी आपके एग्जाम में आ चुका है। हमको लगता है इतना लंबा जो है ऑप्शन देगा नहीं, लेकिन ऑलरेडी ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, जिसमें जो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इस साल के बजट में 249 वृहद कार्य, 53 मध्यम कार्य, 835 लघु और 404 एनीकट एवं स्टॉप डैम निर्माण का प्रावधान है। इस साल के बजट में आपका जो है केलो परियोजना, अरपा भैंसाझर परियोजना और समोदा परियोजना के लिए भी प्रावधान है। राशि आवंटित की गई है, राशि कितनी आवंटित की गई है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, फूटी किस्मत रही तो वो कितनी राशि आवंटित की गई है उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन फिलहाल याद रखिए कि कौन कौन सी परियोजनाओं का जिक्र हुआ है बजट में, केलो परियोजना, अरपा भैंसाझर परियोजना और समोदा परियोजना। नेक्स्ट, 5 हॉर्स पावर तक के पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदान के लिए 2,600 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है। इस योजना से 4,80,000 कृषकों को कृषि पंपों के संचालन हेतु रियायती दरों पर बिजली सुविधा प्रदान की जाएगी। ठीक, इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ये मेंस आंसर राइटिंग में काम आएगा। अक्सर जो है क्या होता है कि मेंस आंसर राइटिंग करते समय जो है इस प्रकार के अगर आप थोड़े से डाटा मेंशन कर देते हैं कि 5 हॉर्स पर सरकार जो है 5 हॉर्स पावर तक के पंपों को निशुल्क विद्युत प्रदान कर रही है, जिसमें 2,600 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है, तो थोड़ा सा आपका क्वेश्चन अच्छा, जो आपका आंसर है वो काफी अच्छा हाईलाइट हो जाता है। सौर सुजला योजना क्या है? देखिए, सौर जो आपका खेतों में सोलर पैनल से चलने वाले या सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपों की स्थापना करना, तो सौर सुजला योजना के अंतर्गत 3 एवं 5 हॉर्स पावर क्षमता के 15,000 सौर सिंचाई पंपों की स्थापना किए जाने का प्रावधान है इस साल के आपके बजट 2022-23 में। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा, ये 15,000 के आंकड़े को याद रखिएगा कि इस साल जो है आपके सौर सुजला योजना के अंतर्गत 3 एवं 5 हॉर्स पावर क्षमता के 15,000 सौर सिंचाई पंपों की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री कुसुम योजना सेम वही कॉन्सेप्ट है कि आपके सौर ऊर्जा से चलने वाले आपके सोलर पंप, इसके अंतर्गत जो है 10,000 सोलर पंपों की स्थापना हेतु राज्यांश मद 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ठीक है, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि सौर सुजला योजना के अंतर्गत 15,000 सौर सिंचाई पंप स्थापित किए जाएंगे, जबकि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत 10,000 सोलर पंपों की स्थापना की जाएगी। सबसे पहले आपको ये दोनों को याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ग्रामीण विकास गतिविधि। इसमें थे पहले नंबर पर है आपका कैशलेस इकोनॉमी। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जो है कैशलेस इकोनॉमी अपनाए जाने की बात कही गई है इस साल के बजट में, जिसमें 7 जिलों का चयन करके उन 7 जिलों के 43 संकुल संगठनों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दिया जाएगा। 7 जिलों की बात कही गई है, लेकिन 7 जिले कौन से हैं ये नहीं बताया गया है। लेकिन अब जो है आपके राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 7 जिलों के 43 संकुल संगठनों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दिए जाने की बात कही गई है इस साल के बजट में। ये थोड़ा सा 7 जिले और 43 संकुल संगठन को याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका उत्थान परियोजना, इंपॉर्टेंट है उत्थान परियोजना। पहला चीज तो ये विशेष पिछड़ी हुई जनजाति संबंधित है। हमारे प्रदेश में जो विशेष रूप से पिछड़ी हुई जनजाति कौन कौन से है? अबुझमाड़िया, कमार, बिरहोर, पहाड़ी, कोरबा और बैगा, ये विशेष रूप से पिछड़ी हुई जनजाति है। तो 9 जिलों में विशेष रूप से पिछड़ी हुई जनजाति को जो है चिन्हांकित करके 173 महिलाओं को सीआरपी के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। सीआरपी क्या होता है? सीआरपी जो है, इस सीआरपी के अंतर्गत
तीन महिलाओं का समूह बनाया जाता है और उन तीन महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाता है, वो तीन महिलाएं आगे अन्य महिलाओं को प्रशिक्षित करती है। तो इस प्रकार से 172 महिलाओं को सीआरपी के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत 9,820 परिवार लाभान्वित होंगे। पहला इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि जो उत्थान परियोजना है ये विशेष रूप से पिछड़ी हुई जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका मिलाप परियोजना। मिलाप परियोजना प्रवासी श्रमिकों से संबंधित। प्रवासी श्रमिक का मतलब, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि कोरोना से पहले बहुत से हमारे छत्तीसगढ़ के जो श्रमिक दूसरे राज्यों में जाकर के रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाकर के काम किया करते थे, लेकिन कोरोना आया और कोविड के आने के बाद बहुत से मजदूरों का रोजगार उनसे छीन गया। अब बहुत से मजदूर छत्तीसगढ़ में आकर के छत्तीसगढ़ में ही रह करके खेती किसानी या अन्य किसी रोजगार कार्य में संलग्न होकर के अपना जीवन गुजारा कर रहे हैं। लेकिन आज भी कोविड जाने के बाद भी, यानी कि सारी परिस्थिति नॉर्मल होने के बाद भी, आज भी बहुत से ऐसे प्रवासी श्रमिक ऐसे हैं जिनकी स्थिति सुधरी नहीं है। तो उन श्रमिकों को चिन्हांकित करके उनका समग्र विकास हेतु मिलाप परियोजना शुरू किए जाने की बात कही गई है इस साल के बजट में। इसमें जो है आपके राजनांदगांव और कबीरधाम जिले में 17,315 प्रवासी मजदूरों का चिन्हांकन कर उनके समग्र विकास हेतु कार्य प्रारंभ किए जाएंगे। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इस मिलाप परियोजना के लिए 450 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, मिलाप परियोजना प्रवासी मजदूरों से संबंधित है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 8,22,832 आवास का जो निर्माण है ये पूर्ण हो चुका है इस साल के बजट में। इस प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 8,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, 8,22,832 आवास पूर्ण हो चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत जो है आपका ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंध कार्य संयंत्र टोटल 3,082 ग्राम में इस संयंत्र का स्थापना किया जाएगा, जबकि 275 ग्राम पंचायतों में बायोगैस संयंत्र की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 500 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है। राशि याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन याद रखिएगा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंध कार्य संयंत्र टोटल 3,082 ग्राम में स्थापित किए जाएंगे और बायोगैस संयंत्र जो है 275 गांव में स्थापित किए जाएंगे। ऐसे टाइप के क्वेश्चन अक्सर जो है कथन आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 900 किलोमीटर सड़क और 24 वृहत पुलों के निर्माण का भौतिक लक्ष्य है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके स्टील ब्रिज का निर्माण। नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा में स्टील ब्रिजों का निर्माण किया जाएगा। अब ये स्टील ब्रिज क्या होते हैं, देखिए अक्सर आप न्यूज में सुनते होंगे कि जो नक्सलवादी है ब्रिज के नीचे बम लगा करके ब्रिज को उड़ा देते हैं, तो उसमें क्या है आवागमन अवरुद्ध होता है। तो अब सरकार जो है उसके जो है टेम्पररी और कम समय में बनने वाले सॉल्यूशन पर ज़्यादा जोर दे रही है, यानी कि स्टील ब्रिजों का निर्माण। स्टील ब्रिज जो कि आसानी से किसी एक प्लांट में बना करके किसी जगह पर ला करके उसे टाइट कर दिया, यानी कि उसे जो है वहाँ पर ला करके रख दिया जाता है। तो ये है आपके स्टील ब्रिज। तो जहाँ नक्सल प्रभावित जिले हैं स्पेशली बीजापुर हो गया, सुकमा हो गया, दंतेवाड़ा, वहाँ पर 47 स्टील ब्रिज निर्माण किए जाने की बात कही गई है इस साल के बजट में। तो थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इन तीन जिलों का नाम याद रखिएगा, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा, जहाँ पर टोटल 47 स्टील ब्रिजों का निर्माण किया जाएगा। योजना के अंतर्गत 1,675 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ पंचायतों के मानदेय में वृद्धि की घोषणा। पंचायतों जो पंचायत के जो पदाधिकारी है उनके मानदेय में वृद्धि की बात की गई है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फटाफट बोल रहा हूँ इसको, ये सारा चीज़ आपका टेबल है बना हुआ है, उसे आप नोट कर सकते हैं। जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष पहले 15,000 मिलता था, अब मिलेगा 25,000, ठीक है, मानदेय के अंतर्गत। उपाध्यक्ष जो है उसे मिलेगा 15,000, सदस्य जिला पंचायत सदस्य को मिलेगा 10,000, सरपंच को जो 2,000 मिलता था 2,000 की जगह मिलेगा 4,000, जबकि पंच को प्रति बैठक भत्ता मिलता था 200 रुपये की जगह मिलेगा आपका 500 रुपये। इंपॉर्टेंट है ये, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में क्षेत्र विकास योजना के तहत विधायक निधि की राशि 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4 करोड़ कर दी गई है, यानी कि विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्य के लिए उन्हें विधायक निधि के अंतर्गत अब 4 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है पंचायत निधि प्रदान के संबंध में। अब ये पंचायत निधि क्या होता है, यानी कि अपने पंचायत क्षेत्र के विकास कार्य के लिए उन्हें फंड प्रोवाइड करना। जैसे कि जिला पंचायत अध्यक्ष जो है ये इसे जो है इस निधि के अंतर्गत 15 लाख प्रतिवर्ष, उपाध्यक्ष को 10 लाख प्रतिवर्ष, जिला पंचायत सदस्य को 4 लाख प्रतिशत, जनपद पंचायत अध्यक्ष को 5 लाख प्रतिवर्ष और आपका जनपद पंचायत उपाध्यक्ष को 3 लाख प्रतिवर्ष, जनपद पंचायत सदस्य को 2 लाख प्रतिवर्ष और साथ ही साथ सरपंचों को अब 20 लाख की जगह 50 लाख तक की लागत के निर्माण कार्य कराने का अधिकार होगा। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली वो
आपका विधायक निधि, विधायक निधि की राशि कितनी हो गई? 4 करोड़। अन्य महत्वपूर्ण घोषणा है, देखिए कुम्हारों को इलेक्ट्रिक चौक वितरित किए जाएंगे। इलेक्ट्रिक चौक का मतलब कुम्हार जो है आपका जो बैलगाड़ी का पहिया होता है, बैलगाड़ी की पहिया को लकड़ी से घुमा करके उसमें मिट्टी के बर्तन को वो आकार दिया करते हैं, ठीक है, तो उसमें काफी मेहनत लगता है। तो अब सरकार क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक यानी कि बिजली के माध्यम से चलने वाले चाक वितरित कर रही है, तो कुम्हारों को इलेक्ट्रिक चाक वितरित किया जाएगा। लघु वनोपज, लघु वनोपज से बने उत्पादों का विपणन छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड के नाम से कर रहा है, ठीक है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। किसानों को उच्च गुणवत्ता युक्त प्रमाणित बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कृषक समग्र विकास योजना के तहत 130 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है। राशि नहीं पड़ेगी तो भी चलेगा, लेकिन इसे ध्यान दीजिएगा कि कृषक समग्र विकास योजना किससे संबंधित है, उच्च गुणवत्ता युक्त प्रमाणित बीज की उपलब्धता से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों में कीटनाशक अवशेषों की जांच हेतु NABL मान्यता प्राप्त फाइटोसेंटरी प्रयोगशाला स्थापित किए जाएंगे। अब ये फाइटोसेंटरी प्रयोगशाला क्या है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि कृषि उपज को बचाने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, तो वो जो आपका जो उत्पाद है, जो कृषि उत्पाद है, उसमें कहीं ना कहीं कीटनाशक के अवशेष रह जाते हैं जो कि मानव शरीर के लिए हानिकारक है, तो उसके इस कीटनाशक अवशेषों की जांच के लिए फाइटोसैनिटरी प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। जो आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य है हमारे प्रदेश में वो है 355 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 12 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी हेतु 112 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि हमारे प्रदेश में जो आपकी गन्ने की खरीदी है, ठीक है, यहां शायद मैं धान बोल रहा हूं, गन्ने की खरीदी गन्ना खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य 355 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 12 लाख मेट्रिक टन गन्ना खरीदी के लिए 112 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है। नेक्स्ट, खरीफ वर्ष 2021 इसे हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। प्रदेश सरकार जो है आपके 21,77,000 किसानों से 98 लाख मेट्रिक टन धान उपार्जित किया है इस साल। अधिसूचित क्षेत्रों में रेत खदानों के संचालन पंचायतों द्वारा ग्राम पंचायतों की सहमति के बिना पंचायत क्षेत्रों से कोई भी खदान संचालित नहीं किया जाएगा, यानी कि जो आपके अधिसूचित क्षेत्र है, अधिसूचित क्षेत्र में रेत खदानों के संचालन के लिए पंचायतों की सहमति आवश्यक है, यह कहा गया है। नेक्स्ट, जल जीवन मिशन के तहत 48,60,000 परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति के लिए या पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 1,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है। नेक्स्ट देखिए, शहरी निर्धन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए मोर मकान मोर चिन्हारी योजना में 450 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है। यहां आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मोर जमीन मोर मकान मोर चिन्हारी, ये जो है ये क्या है, शहरी निर्धन परिवारों के आवास से संबंधित है, शहरी निर्धन परिवारों को आवास उपलब्ध कराए जाने से संबंधित है। नेक्स्ट है, प्रदेश भर में अब तक 10,590 गौठानों में से 8,119 गौठानों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा याद रखिएगा कि अब तक जो है टोटल स्वीकृत कितने हैं, 10,590, जिसमें से 8,119 गौठानों का निर्माण जो है पूरा हो चुका है। अब ये जो है बजट एक नजर में थोड़ा सा इसे ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए ये आर्थिक स्थिति 2021-22 का अग्रिम अनुमान है। बजट हम पढ़ रहे हैं 2022-23, लेकिन ये पिछला बजट का अग्रिम अनुमान है स्थिर भाव पर। जैसे कि यहां पर दिया गया आपका छत्तीसगढ़, यहां पर दिया गया है आपका भारत का। देखिए जो आपका छत्तीसगढ़ का जो GDP रहा, GDP यानी कि आर्थिक विकास दर रहा, वो रहा आपके वित्तीय वर्ष 2021-22, चालू वित्तीय वर्ष की बात हो रही है। देखिए हमारा छत्तीसगढ़ का जो वित्तीय वर्ष है वो आपका 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का रहता है, तो अभी जो आपका चालू वित्तीय वर्ष कौन सा है, 21-22, न कि बजट 22-23, ठीक है, अभी जो चालू वित्तीय वर्ष है वो है आपका 21-22, तो इसका जो अग्रिम अनुमान है वो है आपका 11.54%, जबकि भारत का रहा आपका 9.2%, हमारा छत्तीसगढ़ ज्यादा है, ठीक है। कृषि विकास दर की बात करें तो 3.88% और आपका भारत का रहा 3.9%, हमारा छत्तीसगढ़ में कम है। औद्योगिक विकास दर रहा हमारे छत्तीसगढ़ का 15.44%, जबकि भारत का रहा आपका 11.8%, छत्तीसगढ़ प्लस में है। सेवा क्षेत्र विकास दर की बात करें तो छत्तीसगढ़ का रहा 8.54%, जबकि भारत का रहा 8.2%, इसमें भी छत्तीसगढ़ प्लस में है। छत्तीसगढ़ कहां भारत से कम है पूछा जाए तो वो है आपके कृषि क्षेत्र के विकास दर में, ठीक है, जहां पर है आपका अगर बात किया जाए तो 0.02% बस कम है, ठीक। अगर प्रति व्यक्ति आय की बात किया जाए, यहां प्रचलित भाव पर है, ठीक है, यहां तो आपका स्थिर भाव बोला जा रहा है, लेकिन ये जो आपको प्रति व्यक्ति आय है ये है आपका प्रचलित भाव पर जो प्रति व्यक्ति आय है हमारे छत्तीसगढ़ का है 1,18,401 रुपए, जो कि
पिछले वित्तीय वर्ष के कंपैरिजन में 11.9% की इंक्रीमेंट यानी कि वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि भारत का है आपका 150,326 रुपए। ठीक है, तो ये सारे चीजों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो भी बजटीय घोषणाएं की गई है वो बजटीय घोषणाएं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत से स्कीम देखो बजट में कितनी राशि का प्रावधान है इससे क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन बजट में जो है आपका जो योजना है वो किससे संबंधित है, किस विभाग से संबंधित है, उस योजना का उद्देश्य क्या है, उसके अंतर्गत कौन सा जिला लक्षित है, वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। तो बजट के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी किसी प्रकार का डाउट बाकी आप किसी प्रकार डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।